हाय के सब स्वागत है द म्यूजिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट हमारे लेटेस्ट डिवाइस का जो कि है Mi 10i। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग या बाकी की टेस्टिंग देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं इस डिवाइस को यूज करूंगी अपने मेन फोन की तरह। मैंने इसके अंदर अपनी सिम डाल दी है, इसके अंदर अपने सारे फेवरेट एप्स डाल दिए हैं और सुबह मैंने इसको जब चार्जिंग से हटाया था तो इसमें 100% बैटरी थी। करीबन 9 बजे के आसपास मैंने इसको हटाया था चार्जिंग से। अब आज मैं इसको पूरा दिन अपने मेन फोन की तरह यूज करूंगी जिसमें मैंने एक मिनिमम यूजेज सेट करी हुई है। जैसे कि मैं आधे घंटे का कैमरा जरूर यूज करूंगी डिवाइस के अंदर, उसके साथ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स को मैं 3 घंटे के आसपास देखूंगी, उसके बाद कॉलिंग के लिए डिवाइस को मैं 2 घंटे के आसपास यूज करूंगी, साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम को आधे आधे घंटे के लिए यूज करूंगी। और इन सारी चीजों के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इस डिवाइस के अंदर एक दिन निकलता है या नहीं निकलता, मतलब बैटरी बैकअप हमें कैसा मिलता है। वैसे साथ में अगर मैं डिवाइस की बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर हमें मिलती है 4820mAh की बैटरी और उसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। आज के पूरे दिन मैं इसके अंदर रिफ्रेश रेट को हाई करके रखूंगी, मतलब पूरा दिन 120Hz के रिफ्रेश रेट पे सेट रहेगा डिवाइस मेरा और मैं सारी ये चीजें करूंगी। वैसे तो मेरे डे पे डिपेंड करता है, मैं इसको जैसे कि अपने नॉर्मल फोन की तरह यूज कर रही हूँ तो उसमें अगर मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ता है या फिर ज्यादा मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल करती है या फिर ज्यादा देर गेम खेलने का मन करता है तो उस हिसाब से जो यूजेज है वो चेंज हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको अभी मिनिमम यूजेज बताई है इतना तो मैं जरूर यूज करूंगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं टेस्टिंग को स्टार्ट। और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। सुबह 9 बजे के आसपास मैंने डिवाइस को क्या हटाया था चार्जिंग से, उस समय 100% बैटरी थी। उसके बाद मैंने डिवाइस के अंदर थोड़ी देर कैमरा यूज किया था, मतलब कह सकते हैं कि आधे घंटे के आसपास मैंने डिवाइस का कैमरा यूज किया था जिसके अंदर मैंने बहुत सारी पिक्स क्लिक करी हैं। इसके अंदर हमें 108MP का जो कैमरा मिलता है उसके कैमरा सैंपल्स आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। मतलब हमें इसके अंदर जो सैमसंग का HM2 सेंसर मिल जाता है वो हमारा काफी बड़ा साइज में सेंसर है, मतलब 1x1.52 इंच का, जिसमें आपकी पिक्स के अंदर आप देख सकते हैं डिटेलिंग हमारी एकदम क्रिस्प आती है, बढ़िया कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, पिक्स को जूम करने में भी आपको शार्पनेस जो है वो बढ़िया देखने को मिल जाती है। वैसे डिटेल में कैमरा अगर आपको इस डिवाइस का देखना हो तो इसका कैमरा रिव्यू आप जरूर देखिएगा जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब कैमरा यूज करने के बाद मैंने अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी और एडिटिंग करते समय मैं जनरली डिवाइसेस के अंदर यूट्यूब पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनती हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इस समय हमारे लगभग 11 बज रहे हैं, 10:54 हो रहा है टाइम, जिसमें आप देख सकते हैं कि 91% पे है हमारी बैटरी परसेंटेज। YouTube पे जब भी मैं म्यूजिक लगाती हूँ तो यहाँ पे मैंने 50% पे रखी होती है अपनी डिवाइस की ब्राइटनेस और उसके साथ वॉल्यूम जो है हमारी वो भी मैंने 50-60% पे ही रखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ी देर अपनी जब तक एडिटिंग खत्म करती हूँ तब तक मेरा यहाँ पे ये म्यूजिक चलता रहेगा। एडिटिंग करते समय लगभग मैंने 50 मिनट के आसपास इसके अंदर यूट्यूब पे म्यूजिक को सुना था और एक्चुअल में ऑडियो आउटपुट मुझे इसका जो है स्पीकर का वो काफी सही लगा। कंप्लीट ऑडियो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि डिवाइस के अंदर हमें ऑडियो आउटपुट एक्चुअल में कैसा मिलता है, मतलब ईयरपीस की साउंड कैसी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है, हर एक चीज मैंने ऑडियो टेस्ट के अंदर टेस्ट करी हुई है। यहाँ पे स्पीकर का आउटपुट तो बढ़िया रहा, 50% पे भी आवाज मेरी काफी लाउड आ रही थी और म्यूजिक को मैंने अच्छे से एंजॉय किया। अब जैसे कि 1 बजने वाला है, अब मैं डिवाइस के अंदर गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने जो डिवाइस का गेमिंग टेस्ट है वो वीडियो अपलोड करा हुआ है लेकिन वो 60Hz के रिफ्रेश रेट पे मैंने गेमिंग टेस्ट किया था 1 आवर का, और अब मैं 120Hz के रिफ्रेश रेट पे 1 आवर का गेमिंग टेस्ट आज ही शूट कर रही हूँ। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरी परसेंटेज है वो है 84% पे, 12:55 हो रहा है इस समय टाइम, और जो गेम्स मैं इसके अंदर खेलूंगी वो है हमारी एस्कॉल्ट 9, डेड ट्रिगर और उसके साथ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो 1 घंटे की मैं गेमिंग यहाँ पे करती हूँ शुरू। वैसे जो मैंने इसका गेमिंग टेस्ट किया था उसके अंदर डिवाइस की परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी देखने को मिली थी, मतलब हमें हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिला और बैटरी भी हमारी काफी
काफी नॉर्मल लगी थी। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो हमारे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हम सेट करते हैं उसके अंदर बैटरी थोड़ी सी हमारी ज्यादा कंज्यूम होती है, मतलब गेमिंग का भी टेस्ट जो है जो मेरा नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला था उससे ये हमारा 120 हर्ट्ज वाले में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो स्मूथनेस काफी अच्छी देखने को मिलेगी स्पॉट 9 जैसी हमारी हाई ग्राफिक्स गेम में। और इसके साथ बढ़िया बात यह है कि मैं यहाँ पे सेटिंग्स को हाई भी करूंगी। पहले रिकमेंडेड सेटिंग्स जो हमें मिलती है उस पर मैं आपको खेल के बताऊंगी कि हमें कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, और उसके बाद मैं सेटिंग्स को हाई कर दूंगी कॉल ऑफ ड्यूटी में भी और उसके साथ हमारी एसॉल्ट 9 में भी, ताकि हमें पता चले कि सेटिंग्स ग्राफिक्स को बढ़ाने के बाद आपको कैसी स्मूथनेस मिलती है, कैसी परफॉर्मेंस मिलती है और उसके साथ हमारी बैटरी कितनी लगती है। वैसे हीटिंग इशू की मैं बात करूं तो वो तो मुझे अभी भी इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला जितनी भी देर मैंने फोन को यूज करा, चाहे कैमरा में यूज करा या फिर गेमिंग में यूज करा, लेकिन बैटरी कितनी लगती है वो हमारा मेजर पॉइंट है। अब गेमिंग टेस्ट करने के बाद मैं बाकी की टेस्टिंग कर रही हूँ आज की, जिसमें मैं कर रही हूँ चार्जिंग टेस्ट हमारे सैमसंग का जो लेटेस्ट डिवाइस आया बजट सेगमेंट का। उसके चार्जिंग टेस्ट में एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, काफी बड़ी बैटरी मिल रही है हमें जिसके अंदर चार्जर काफी छोटा मिलता है। वो चार्जिंग टेस्ट आपको मेरे TNG टेस्टिंग चैनल पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग करते करते साथ में मैं फोन पे बात कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पे आप देख सकते हैं कि लगभग 5 बजने वाले हैं, 447 हो रहा है टाइम और इस समय 67% पे आ गई हमारी बैटरी परसेंटेज। देखा जाए तो डिवाइस के अंदर बैटरी बैकअप मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 4 बज चुके हैं, मैं गेमिंग अच्छे से कर चुकी हूँ हाई ग्राफिक्स करने के बाद 1 घंटे की पूरी, वो भी बड़ी गेम्स थी हमारी, और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक भी चेक किया था, कॉलिंग के लिए भी डिवाइस को सुबह भी यूज किया था और अभी तक बैटरी जो है वो बैटरी बैकअप काफी अच्छा दे रही है। देखते हैं आगे, मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या क्या यूज करती हूँ और कैसे कैसे रहती है हमारी बैटरी बैकअप। सो चार्जिंग करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स पे लगाई है मूवी 2012 मैं पुरानी मूवी से देख लेती हूँ काम करते करते, क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा आपका ध्यान मूवी में नहीं जाएगा और आप काम भी अच्छे से कर सकोगे। तो मूवी यहाँ पे मैंने ऑन करी हुई है 2012 जिसमें आप देख सकते हैं इस समय 51% पे है हमारी बैटरी परसेंटेज, लगभग 7 बज रहे हैं। सो मूवी एंजॉय करके टेस्टिंग करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि लगभग 10:30 हो रहे हैं, 10:24 हो रहा है टाइम और 20% पे आ गई हमारी बैटरी। मैंने इसके अंदर जब नेटफ्लिक्स ऑन किया था आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई थी हमारी 51 थी और लगभग 2.5 घंटे की मूवी थी हमारी, वही मूवी मैंने पूरी देखी थी, उसके बाद बंद कर दिया था नेटफ्लिक्स को। उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने यूज किया था डिवाइस के अंदर और लगभग 2 घंटे की अभी मेरी कॉलिंग भी हुई थी, तो उसके बाद 20% पे आ गया है हमारा डिवाइस। अभी फटाफट से मैं कर रही हूँ डिनर और इसके बाद अभी लास्ट शॉट लेते हैं, थोड़ा बहुत और यूज करूंगी डिवाइस को मैं। रात को सोने से पहले थोड़ा सा चेकआउट करना ही होता है इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, तो वो सब करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12:15 हो रहे हैं, मतलब 12:14 हो रहे हैं और हमारी 12% पे आ गई है बैटरी परसेंटेज। मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि हमारे डिवाइस की यूजेज क्या क्या रही। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम रहा हमारा 6:40 का, बढ़िया है। और उसके साथ अगर आगे मैं आपको चीजें दिखाऊं तो नेटफ्लिक्स मैंने 2.5 घंटे के आसपास यूज किया था, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम को 35 मिनट यूज किया था, उसके बाद कॉलिंग के लिए मैंने डिवाइस को यूज किया था 2:10 के लिए। यहाँ पे मैंने ईयरपीस के थ्रू ही बात करी थी, कोई मैंने इसमें ईयरफोन्स नहीं लगाए थे या फिर मैंने ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने कैमरा यूज किया था 35 मिनट के आसपास और उसके बाद फेसबुक यूज किया था मैंने 32 मिनट। उसके बाद गेमिंग के लिए एसॉल्ट 9 खेली थी, डेड ट्रिगर खेली थी और कॉल ऑफ ड्यूटी खेली थी मैंने हाई सेटिंग्स पे, 1 घंटा टोटल मैंने ये गेमिंग करी थी। इसके बाद मैंने डिवाइस के अंदर यूट्यूब देखा था 50 मिनट के आसपास।
सो इन दी एंड अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अगर आप मी 10 आई के अंदर 120 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट सेट करके अपनी नॉर्मल यूजेज में यूज करते हैं डिवाइस को तो आपको वन डे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैंने अभी जो यूज किया ये जो मेरी मिनिमम यूजेज थी उतना ही किया, एक्सट्रीम या ज्यादा नहीं यूज किया। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, नॉर्मल से हैवी की तरफ यूज करते हैं तो आपको डिवाइस के अंदर थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आप 60 हर्ट्ज पर रख के करते हैं तो वैसे तो वो मैं चेक कर लूंगी, कुछ ही दिनों में वो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, पूरा दिन डिवाइस को यूज करती हूँ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।